भी मूव देखने को मिला। 2100 के पार निकलने में कामयाब, 2162-70 की तरफ बढ़ रहा है काउंटर। आज दरअसल रेलवे बोर्ड चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 3 बजे, और उसमें कुछ बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। स्टॉक से भी संबंधित कुछ अपडेट आएगा, 4% शायद इसीलिए भागा है काउंटर 2180 के लेवल्स पर। दीपाली हमारे साथ जुड़ गई हैं अब। दीपाली बताइए, क्या कुछ कहा जा सकता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मुख्य तौर पर रेल मंत्रालय फोकस करने जा रहा है कि किस तरह से ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जाए। अभी अगर ट्रेनों की बात की जाए तो 30% क्षमता के साथ पूरे ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ रही हैं, लेकिन सूत्रों से हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है। अब चरणबद्ध तरीके से क्षमता को बढ़ाया जाएगा, और आज जो हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें 30% की क्षमता को 50% तक ले जाने का रोड मैप, पूरी योजना चेयरमैन रेलवे बोर्ड सामने रखेंगे। इस तरह का ऐलान मुमकिन जरूर हमें पता लग रहा है, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर IRCTC को इसका निश्चित तौर पर फायदा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि टिकटिंग की बात की जाए तो IRCTC की मोनोपोली है। वहीं रेल नीर का भी एक बड़ा स्टेक IRCTC का रेल मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही सूत्रों से हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो स्थिति है वो सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है, कैटरिंग को शुरू किया जाए जिसमें IRCTC का एक बड़ा हिस्सा है रेलवे में, उस पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो अनाउंसमेंट होगा वो ट्रेनों के विस्तार को लेकर होगा। ओके, तो ट्रेनों के विस्तार को लेकर, केटरिंग सेवा के लेकर क्या फिलहाल आगे का प्लान होगा, कंसीडरिंग हम अनलॉक में अब धीरे धीरे करके आ रहे हैं, इकोनॉमी खुल रही है, IRCTC इसीलिए आउट परफॉर्मर आज का 4% ऊपर, आज अब बड़ा मूव स्टॉक ने फिर दिखाया है। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। अच्छा, अब अपडेट ये भी आ रहा है हमारे साथ कि लक्ष्मण रॉय भी जुड़ गए हैं, और दरअसल DGTR ने कुछ फैसले लिए हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर 3 प्रोडक्ट्स पर। लक्ष्मण बताइए, किन कंपनियों ने इनफैक्ट ये पहले